उसमें 16th पे आते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए एंड रेट कॉन्स्टेंट के वन एंड के टू ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू आर रिलेटेड एज, कैसे रिलेशन होता है टी वन और टी टू का। तो देखिए के वन इज इक्वल टू ए आरेनियस कॉन्स्टेंट ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वहीं के टू के लिए भी निकालेंगे ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देखिए ए है आपका आरहीनियस कांस्टेंट, ई ए है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, आर है आपका गैस कांस्टेंट, टी है आपका टेम्परेचर। अब देखिए दोनों इक्वेशंस के अगर हम लॉग ले लें, लॉग या ln नेचुरल लॉग, k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन r t1, ठीक ये आ जाएगी वैल्यू। ऐसे ही ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन आर टी टू। दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो एल एन के वन अपॉन के टू इज इक्वल टू, यहां पे एल एन एल एन एक साइड पे आ जाएंगे और आपकी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ई ए अपॉन आर वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। इसको सॉल्व करने पर आपकी ये वैल्यू आती है जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है।